महान तपस्वी त्यागी कर्म योगी जगत उदारक महान कवि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 400वें प्रकाश पुरब नूं मनाउंदे होए उन्हां द्वारा रचित बाणी दी विचार दी लड़ी नूं अगे तोरदे होए जो शब्द दी विचार करन दा सुभाग अज मैनूं प्राप्त होया है वह शब्द राग आसा विच अंक 411 ते अंकित है। गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी कुल 59 शब्दों के 57 श्लोकों के रूप में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज है। महाराज ने कुल 15 रागों में बाणी जी है वह अंकित की है। तो जिहड़ा शब्द असीं अज विचार करन लगे हाँ ये इको ही एक ऐसा शब्द है जिहड़ा राग आसा विच दर्ज है। राग आसा की जिहड़ी स्पैशलिटी है वह यह है कि यह राग स्रोते के मन में परपक्ता ते डिटरमिनेशन भरता है ताजो वह निश्चा करके अपने टारगेट वल नूं वध सके। सो आओ शब्द का विचार करके समझण दा यतन करिए कि महाराज सानू किहड़ी जीवन सेध बख्श रहे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नौवां बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दस भूत सतावत आसा लाग्यो धन की रहाओ। गुरु जी उत्तम वक्ता होके अर्थात साढ़े कलयुगी जीवन के उदार लिए फर्स्ट परसन बाणी उचारते हुए कहते हैं कि मैं अपने मन की अवस्था किसनों दसा क्योंकि जिस मनुख वाल भी नज़र मारो सब का यही हाल है। लोभ विच ग्रसिया मनुख दसी पासी धन की आस में भज्या फिर रहा है। यह शब्द का केंद्रीय भाव है तो रहाओ वाली तुक है। महाराज बचन करते हैं कि परमात्मा की भगती तो हीणा मनुख भुली बैठा है कि परमात्मा के घर पदार्थक धन नहीं परमात्मिक धन जिहड़ा है उसकी कीमत पैंदी है। धन की परिभाषा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दो रूप में की गई है काचा धन ते साचा धन। सो मनुख का सफर भावें काचे धन तो शुरू होंदा है पर गाह जाके साचे धन ते अपना उसका टीचा है। महाराज कहते हैं काचा धन संजे मूर्ख गवार मनमुख भुले अंध गवार। अर्थात काचा धन नूं कट्ठे करते हुए संसारिक धन नूं कट्ठे करते हुए संसार दे विच रहिंदे हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो महाराज की दसते हैं कि असली धन साचा धन केड़ा है साचा धन गुरमती पाए काचा धन को नावे जाए। सो सदा थर रहन वाला जिहड़ा धन है वह साचा धन है जिन्हों असी नाम धन कहते हैं। नैक्सट जो पता है शब्द का वो है सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार द्वार स्वान जो डोलत नह सुधराम भजन की। गुरु जी अगे बचन करते हैं कि माया का ऐसा पर्दा मनुख की मत उत्ते पिया होया है कि वह जीवन विच दुनियावी सुख नू ही लोभता है किसी की गुलामी करने लिए झट तत्पर हो जाता है। एक स्वान अर्थात कुत्ते की भांति थां थां ते ठोकर खाता है। जिहड़ा जीवन का असल मनोरथ है परमात्मा की बंदगी वह बिल्कुल विसारी बैठा है। इत्थे मैं एक मैनशन करना चाहती हाँ कि जिहड़ा अलंकार अर्थात मैटाफर महाराज ने यूज किया है स्वान आओ उस पर थोड़ा जिहा विचार करिए। बाणी विच ये जिहड़ा अलंकार है मैटाफर है ये महाराज ने औगण ते गुण दोनों के संबंध में यूज किया है। जदों महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में मनुख के लोभी मन की हालत बयान करते हैं तो इवें लगता है कि साढ़े मन के ही हाल का कौड़ा सच है। जिहड़ा कुत्ते का मन है वह बहुत ही लोभ का भरिया होया है। उस तरह जिहड़ा मनुख का मन है अंतर लोभ फिरे हलकाए निंदा करे सिर भार उठाए। महाराज एक होर प्रमाण देंदे ने कहिंदे बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापक लोभ स्वान। लोग दिखावे लिए बाहरों तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी बनता है पर अंदर एक कुत्ते दे भांति लोभ का भरिया होया है। फिर महाराज एक अगे जाके एक होर एग्जाम्पल देंदे ने कि जिवें कुत्ते दे विच एक होर औगण है कि हठी है मन का बहुत हठी है। इवें ही जिदा एक मुहावरा भी है कि जिहड़ी कुत्ते की पूछ है सीधी नहीं हुंदी ते महाराज उही एग्जाम्पल लैके साढ़े मन की अवस्था दसदे ने कि जिदा एक हठ विच आया होया मनुख मुड़ मुड़ के उही गलती करता है इन्ने खूब ज़्यादा पैंदा है। स्वान पूछ जो होए ना सुधो कहो ना कान धरे कहो नानक भज राम नाम नित जाके काज सरे। फिर महाराज कहते हैं कि भावें कुत्ते दे विच ए औगण ने बट उसका सब तो वड्डा जिहड़ा गुण है वह ये है कि जदों थां थां की भटकन छड्ड दिंदा है तो अंत एक दर ते आके
अपने आप जिहड़ा उहदा मन जिहड़ा है एक थां ते टिक जांदा है, अपना एक मालक वह मन लैंदा है तो उसकी जिहड़ी वफादारी है उसकी सारी उम्र का गुण बन जाती है। अर्थात जिहड़ी भटकण तो शुरू हुई उहदी जर्नी सीगी वह हुण वफादारी ते आके समर्पण ते आके मुकदी है। महाराज का अपना जिहड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज का आता है श्लोक, महाराज कहिंदे ने स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित। सो थां थां भटकण वाले कुत्ते की महाराज हुण एग्जाम्पल सानूं दिंदे ने कि साडी अवस्था कितें इहो जिही हो जाए कि जिवें उह भटकदा कुत्ता एक थां ते आके इन्नी डिवोशन नाल डिवोटिड हो के वफादार हो के सारी उम्र निभदा है, कितें साडे मन विच ऐसी डिवोशन ऐसा समर्पण आ जाए। अगे भगत कबीर जी भी कहिंदे ने कि हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार। महाराज सानू किवें दसदे ने कि जाच किदां आएगी, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे ते जाओ। अर्थात सानू महाराज समझाउंदे ने कि साडे मन जिहड़ा भटक रहा है स्वान रूपी भटकते मन नू राम नाम की जेवरी की लोड़ है ता जो असी औगण त्यागीए ते उहदे दर दे कुकर बन के तनो मनो अपने आप नू उत्थों अर्पण कर सकीए। शब्द का अखीरला पदा है जी, जन्म मानस जन्म अकारत खोवत लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिनासे तन की। अखीरले पदे विच गुरु जी सानू समझाउंदे ने कि अणमुला जन्म जिहड़ा व्यर्थ मनुख गवारिया है लोक तां मारिया होया लोक लाज की भी चिंता नहीं करता। महाराज सानू कहिंदे ने कि जे मन की मैल धोनी है तो केवल प्रभ सिमरन नाल ही यह संभव है। सो जिहड़ी जर्नी बिरथा कहो कौन से मन की तो शुरू हुंदी है वह कित्थे जाके मुकदी है, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर। सो अर्पण करन विच की महाराज कहिंदे ने कि जिहड़ी मनुख दी उह गल है। सो जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़ी गुरु तेग बहादुर महाराज की रची बाणी का एनालिसिस करते हाँ तो जो कुछ विचार मेरे मन में आया मैं थोड़ा साझा करन लगी हाँ कि यह ना एक अटल सच्चाई है कि जिहो जिहा बंदे का जीवन होंदा है उसके विचारों में उहो जिही सुगंधी आती है। गुरु तेग बहादुर महाराज का अपना जीवन मोह माया तो रहत भजन बंदगी बैराग में समाधि वाला एहो जिहा जीवन उन्होंने जीविया तो उन्होंने जिहड़ी रचना सी उहदे विचों भी उही त्याग बैराग ते अनुराग का रस झलकता है। नौवें पातशाह की बाणी सानू अपने अंदर अंतरमुखी होके अपने मना में झाकण लई कहिंदी है, अपने असी विकारां नू जिहड़े हैगे आ उह सुधारीए अपनी सैल्फ असैसमेंट करिए। तो एक साखी मेरे मन में आती है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करनी चाहुंदी हाँ कि जदों गुरु तेग बहादुर महाराज के जिहड़े पिता ने छेवें पातशाह गुरगद्दी के ने तो जदों उन्हां दा दीवान लगता है तो संगत देखती है कि जिहड़े महाराज के सब तो छोटे सपुत्र ने गुरु तेग बहादुर महाराज जदों भी आते ने संगत विच बिल्कुल अखां नीवियां करके गंभीर होके एक चित होके मत्था टेकते हैं तो बिल्कुल पिछे जाके विराजमान हो जाते हैं। संगत महाराज ने बेनती करती है कि महाराज आप जी के सपुत्र हमेशा जो संगत चाहते हैं कि इन्ने गंभीर चित होके नेत्र नीवे करके हमेशा रखते हैं अजिहा क्यों। सो गुरु हरगोबिंद महाराज जिहड़े ने पुछते हैं कि अपने पुत्र नूं कि पुत्र जी तुहाडे नेत्र हमेशा नीवे क्यों। जो महाराज ने उत्तर दिता सात संगत वो ये कि हे मेरे गुरु पिता जी जिन्हों मेरे अंदर दे सारे औगणा का पता होवे ऐसे गुरु अगे मेरे तो नेत्र नहीं चके जाते। सो इन्नी हलीमी इन्नी निम्रता दे भरे हुए उन्होंने जीवन के उन्होंने बाणी के जो उद्देश ने वो यही ने कि असी पहला अपना मन साधीए, मन साधांगे तो जीवन सदेगा। सो एंड विच महाराज ने जो सानू असल साडा निशाना दसिया है वह की है, जो उपज्यो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाय लै छाड़ सगल जंजाल। महाराज की अपनी बाणी में महाराज सानू दसदे ने कि बेनती करनी किवें है गुरु अगे, होमे त्याग के बेनती करनी किवें है। कहिंदे ने नाहिन गुण मेरे अंदर कोई गुण नहीं, नाहिन कष्ट जप तप ना मेरे अंदर जप तप, कौन करम अब कीजै नानक हर परयो शरणागत अवे दान प्रभ दीजै। ऐदा हाथ जोड़ के ऐदा निमाणे होके बेनती करनी है। सो अंत में साध संगत जी मैं यही कहना चाहती हाँ कि गुरु जी के जीवन उन्होंने बाणी ते अंत में उन्होंने लसानी शहादत दुनिया अगे ऐसी विलक्षण मिसाल कायम कर जाती है जिदा एग्जाम्पल कितने होर नहीं मिलता।
तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। अपनी लसानी शहादत नाल मनुखी अधिकारां दी प्रैक्टिकल करके दिखाउण वाले गुरु जी बारे एक कवि ने बड़ी प्यारी कविता जो गुरु जी की शहीदी दे समय वो कवि ने गुरु जी दे मन दे वलवलियां नूं अपने जिहड़े शब्दों विच इवें लिखिया है, वो कहिंदा है, मैं हाँ तेग परख लै तेग तू भी, मैं हाँ तेग परख लै तेग तू भी, एक नहीं परख लै सौ तेगा, मैं ता जमदिया तेगा दी शाम आनी, मेरा कुछ नहीं सकदियां खो तेगा, मैनू तेग बहादुर दा नकब मिलिया, मेरे पिता ने पहनिया दो तेगा, मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रहा परखता तेरा प्यो तेगा, हुण वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत ने वाणिया ओ तेगा, ओदी तेग जो जेड़ी तेग निकलू लखां लऊगी तेरियां खो तेगा, लखां लऊगी तेरियां खो तेगा। सो ऐसे महान गुरु दी जीवन नू, ऐसे महान गुरु दी शहादत नू कोटन कोट प्रणाम करते हुए इन्निया बेनतियां प्रवान करनिया जी, होईयां बेअंत फुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शनी, साध संगत बख्शन योग है। चलो जी आओ जी, फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।